है। चलिए बेटा, गुड इवनिंग सबको। और सब बच्चे कहाँ हैं? सब लोग ऐड हो गए? देखिए, थोड़ा क्लास लेट हो जाएगा तो आपको टेंशन मत लिया करिए, ठीक है ना? आपसे पहले क्लासेस, दूसरी क्लास होती है, क्लास 10th वाले होती है, 11th वाले होती है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है? 5-10 मिनट लेट हो जाए तो वो टेंशन मत लिया। चलिए, आज कल हम लोग बेटा डिस्कस किया था सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। टुडे विल डिस्कस सेल चैप्टर लेक्चर नंबर 2। कल हमने बेटा क्या क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस कर लिया था कि सेल की डिफिनेशन और उसके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक 2 टाइप्स होते हैं, याद तक शायद मैंने आपको बताया ना, ये तो पढ़ाया था। यस ठीक, ओके। आज बेटा हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सेल थ्योरी। कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ये देखिए कल हम लोग ये सब डिस्कस कर लिया था। और फिर हमने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ना, इसमें 70S राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है, सब हमने डिस्कस कर लिया था। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोटिक वाले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? केवल यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। बेटा नोट्स लिखा है, इसी से पढ़ा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो लिखते हैं। देखिए, आज बेटा हम लोग को डिस्कस करना है सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? सेल से रिलेटेड बेटा जो भी थ्योरीज दी गई, कौन बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है? अब देखिए, सेल से रिलेटेड कौन कौन से बातें आपको जरा याद रखनी है, जो मेन पॉइंट है। सेल थ्योरी टू साइंटिस्ट हैं, कौन कौन साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी? एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वाम। सही दिख रहा है कि नहीं? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वाम। एमजे स्लाइडेन बेटा बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब बायोलॉजी के थे, वो सॉरी प्लांट वाले स्टडी के साइंटिस्ट थे। और टी स्वान जूलॉजिस्ट थे, यानी एनिमल के साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे। 1838 में स्लाइडेन ने इस थ्योरी को स्टार्ट किया था। फिर बाद में 1839 में, 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर, टी स्वान ने इस थ्योरी में कॉन्सेप्ट को ऐड किया, ठीक है? सर, आप ये बताइए। सर साइंस में डेट याद करना जरूरी रहता है। छोटे क्लास लेने ही जरूरी है, लेकिन ठीक है, क्लास 9, 10, 12 के लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप पीएमटी देंगे या आईटी देंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा डेट का। अभी सादर डालिए, ठीक है? एनटीएससी देंगे उसमें जरूरत पड़ेगी, जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे उसमें डेट की जरूरत पड़ती है, समझ गए आप? और जो आप स्कूल का एग्जामिनेशन देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, कम जरूरत पड़ती है, लेकिन कंपटीशन तो एसेंशियल है बेटा, डेट पूछी जाती है। आदत डालिए अभी से, भाई आगे कंपटीशन ही तो देना है आप लोग को, खाली पास करना तो मेन है नहीं आप लोग का। ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, 1838, 1839। अच्छा बताइए, इससे आप मान लो क्वेश्चन आ गया है एनटीएससी में या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे आप कहा जाएगा सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, ठीक है ना? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ,
कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको बताइए? एमजे स्लाइडन, रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट हुक और टी स्वान, बताइए कौन सही है? आप तो सोचिए, बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है? ये कंप्लीशन का क्वेश्चन नहीं है, ये बेटा पीएमटी का क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा जाता है पीएमटी में। पीएमटी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, दिया तो था स्लाइडन स्वान दोनों ने, स्लाइडन स्वान दोनों ने तो थ्योरी दिया है, लेकिन ये स्टार्ट किसने किया था? स्लाइडन ने, स्वान ने बाद में उसमें ऐड किया था अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखा जाता है 38 39, 38 वाला सही है, 1838। देखो रीजन मैंने छोटा सा यहाँ लिख दिया है, देखो तो हिंदी में लिखा है क्योंकि हिंदी उनको जल्दी याद होती है, लर्न कर लेता ब्रेन। तो याद रखिएगा, एमजे स्लाइडन सबसे पहले 1838 में दिया था, यानी कि दिस थ्योरी आज फर्स्ट गिवन बाय एमजे स्लाइडन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब देखो इस थ्योरीज में क्या क्या बताया गया, कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे इस थ्योरी के, सेल से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई थी। पहली थ्योरी देखिए क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट का मतलब स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है गलत है? सही है। तो सेल के बारे में सबसे पहली बात कही गई कि ये कैसा होता है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करता है, और सबसे छोटा पार्ट होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पहली थ्योरी थी। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ? जितने फंक्शंस आपके बॉडी में होते हैं उसे बेटा हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो देखिए आपके बॉडी में कितने फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके बॉडी में फंक्शन होंगे उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। और क्या कर सकते हैं? वाइटल फंक्शन, वीएल। तो बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन, लिविंग बॉडी में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन या वाइटल फंक्शन। कहाँ होता है? अकर्स इनसाइड द सेल। अब सेल में क्या क्या होता है? इसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब समझते हैं आप लोग, एक ब्रीदिंग होता है और एक यस सर, रेस्पिरेशन होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन? रिस्पिरेशन में इनहेल और एक्सहेल दोनों आ जाएगा सर, ब्रीदिंग में केवल इनहेल आएगा। नहीं, इनहेल और एक्सहेल जो आप कह रहे हैं, सांस लेना। हाँ, रिस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो वेरी गुड, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में। बात समझ रहे हैं? यानी कैसे ये रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। भाई इसलिए तो माइटोकांड्रिया कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पढ़ा होगा ना आपने, सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। सांस लेना या सांस छोड़ना, ध्यान देना, सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। वो ब्रीदिंग है, वो लंग्स में होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रीदिंग इज रिलेटेड विथ लंग्स। और जब आप सांस लेते हैं ना, तो लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां एनर्जी बनती है ग्लूकोज से, जो आप खाना खाते हो उसमें ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। कहाँ पर ऐड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उससे एनर्जी बनती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किससे रिलेटेड है? सेल से। देखो ये सेल में होता है, ये देखिए, लेकिन ब्रीदिंग कहाँ होती है? लंग्स में होती है, वो ऑर्गन में होती है ना, बॉडी ऑर्गन में, ये सेल में हो रही है, ये अंतर है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, सेल का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। दो तरह के होते हैं, बताया था 70S
एटीएस। रचिए और समझ लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गनली अगर कहा जाएगा कि सेल में सबसे छोटा कौन सा ऐसा पार्ट है सेल के अंदर, सेल ऑर्गनलीज, तो आंसर आएगा राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा होता है, पार्टिकल होते हैं, दाने की तरह होते हैं, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी में जितना फंक्शन होगा उसे मेटाबॉलिक फंक्शन कहेंगे, ठीक भैया? आई चीज थोड़ा और समझ लीजिए, मेटाबॉलिक फंक्शन भी दो तरह के होते हैं। जिस फंक्शन से आपका बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उसे बच्चों एनाबॉलिक कहा जाता है। ANABOLIC, एनाबॉलिक फंक्शन। और जिस फंक्शन से बॉडी का वेट कम हो जाए, डिक्रीज इन वेट हो जाए, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक फंक्शन मतलब CATABOLIC, कैटाबॉलिक फंक्शन। तो कैटाबॉलिक से वेट कम हो जाता है। केटा ऐसे आप लोग, केटा काटा, कट कर देता, कम कर देता है। और एनाबोलिक, ANABOLIC लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो से, एनाबोलिक फंक्शन, जिससे आपका बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाए उसे बोलते हैं एनाबोलिक। और एनाबोलिक केटाबोलिक दोनों को एक साथ टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबोलिक। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं, बताइए, रिप्लाई करिए। अब आप बताइए जरा, रेस्पिरेशन एनाबोलिक प्रोसेस है कि कैटाबोलिक है, सोच के बताइए। तो रेस्पिरेशन से वेट बढ़ता है कि कम होता है बॉडी का? सर कैटाबोलिक। कैटाबोलिक होगा क्योंकि ये ग्लूकोज को ब्रेक करके, तोड़ तोड़ करके छोटा बनाता, तब एनर्जी रिलीज होती है। अब फोटोसिंथेसिस से बताइए, प्लांट में होता है ना, वेट बढ़ता है कम हो जाता है? सर बढ़ता है, बढ़ जाएगा भाई, हर लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस, तो फूड बनता जाएगा। जब फूड बनेगा तो पेड़ का वजन बढ़ता जाएगा, लीफ भारी होती जाएगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस बताइए, एनाबोलिक की कैटाबोलिक? आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, भाई बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगा तब भारी होते जाओगे ना, आपका वजन बढ़ता जाएगा। प्रोटीन क्या है? ये जो मसल्स बॉडी के हैं ना, ये सब मसल्स क्या हैं? प्रोटीन ही तो हैं ये सब मसल। मोटे हो जाएंगे प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन क्या हुआ, मैं यही लिख दे रहा हूँ, रेस्पिरेशन जो हुआ ये कैटाबोलिक हो गया, कैटाबोलिक फंक्शन। और ये दोनों बेटा क्या हो गए? एनाबोलिक, एना नीचे लिख देता हूँ, बोलिक फंक्शन, ध्यान रखिएगा। ये एनाबोलिक हो गया और ये कैटाबोलिक हो गया, BOLIC। चलिए, ये पहली थ्योरी समझ में आ गई, इस स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी देखो बेटा, क्या थ्योरी में ऐड किया गया था, सेकेंड बेटा थ्योरी ये था, ये बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से बनी होती है, कॉमन सी बात है। यूनिसेलर होगा तो सेल से, और मल्टीसेलर होगा तो सेल्स से बनी होगी, मतलब ढेर सारे सेल से बनी होगी, सबको पता है, ये कोई नई चीज है नहीं। आप देखिए, थर्ड थ्योरी क्या थी, कि ओरिजिन ऑफ सेल फ्रॉम क्रिस्टल फॉर्म। देखो बेटा, पहले ये माना जाता था कि जो सेल बना है ना, वो क्रिस्टल से बना है, ठीक है ना, क्रिस्टल फॉर्म से बना है। क्रिस्टल का मतलब हो गया जैसे नॉन लिविंग पार्ट, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे समझिए। क्रिस्टल मतलब दानेदार किसी मटेरियल से बना है, मतलब नॉन लिविंग से बना है, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये थ्योरी बेटा गलत हो गई, ये रॉन्ग थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, ये रॉन्ग है। लेकिन फिर विर्चो ने क्या बताया, एक साइंटिस्ट है विर्चो, विर्चो ने कहा कि सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम ओमनी सेलुला ई सेलुला। ध्यान समझिएगा, विर्चो ने कहा था कि सेल आर एराइजेस फ्रॉम ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई भी नई सेल
पहले से अगर कोई एक सेल होगी ना, तभी एक उनसे नई सेल बन सकती है। यानी न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से एक सेल होनी चाहिए, तभी एक नई सेल पैदा हो सकती, बॉर्न हो सकती है। वो क्रिस्टल से नहीं बन सकती, कोई उसको बना नहीं सकता, सेल को कोई फॉर्म थोड़ी कर सकता है। लैब में कोई नहीं बना सकता सेल को, कोई कहे कि सेल बना के दिखाइए, इम्पॉसिबल है। सिर्फ लिविंग बॉडी से ही सेल बेटा नई फॉर्म हो सकती है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो सेल को बेटा आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना? क्लियर हुआ सबको? यस। ये बेटा जो थ्योरीज है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है ना? ठीक, दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, लेटर छोटा तो नहीं दिख रहा है? नो सर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देख लो, जो पढ़ा वो क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। उस सेल की कौन सी थ्योरी बोली जाती है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ सेल, ठीक ना? बाद में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ इसमें और पॉइंट्स को बेटा ऐड किया गया। तो मॉडर्न थ्योरीज क्या क्या बताएगी, ध्यान सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में ये ऐड किया गया कि सेल ऑलवेज पास आउट या ट्रांसफर करता है इट्स जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके करेक्टर्स रिकॉर्ड होते हैं, उसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल टू टाइप्स का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। और जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं? आपके करेक्टर्स रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आपके फादर के करेक्टर्स ना रिकॉर्ड हुए हैं डीएनए में, डीएनए से जीन्स बनते हैं और उस जीन्स के थ्रू वो करेक्टर्स पास आउट हुए हैं आपके अंदर। यानी आपके अंदर आपके मदर और फादर दोनों के करेक्टर्स होते हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं? डीएनए के थ्रू। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि सेल ऑलवेज पास आउट यानी ट्रांसफर करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक करेक्टर्स, किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। कहाँ करते हैं? टू डॉटर सेल्स। एक सेल जब नई सेल बनाती है तो जो नई सेल बनती है उसको डॉटर सेल्स कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है, एक से दो बनता है, तो अपने मटेरियल को भी अपने डॉटर सेल में ट्रांसफर करता। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये सेल है, अभी डिवाइड हुआ, ये देखिए, ये दो सेल बनी, इसको बोलेंगे सेल डिवीजन हुआ। जो मेन जो ये सेल है इसको बोलेंगे मदर सेल, और जो नई दो सेल बनी इसको बोलेंगे डॉटर सेल। इसका बेटा जो ये अंदर मटेरियल है ना, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ होता है, न्यूक्लियस, इसमें एक डीएनए होता है। डीएनए मतलब जीन्स, क्रोमोजोम्स। डीएनए से जीन्स भी बनता है और क्रोमोजोम्स भी बनता है। तो डीएनए से क्रोमोजोम्स जीन्स बनता है और क्रोमोजोम्स जीन्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब डीएनए भी ट्रांसफर हो गया। यानी इसका डीएनए देखिए इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो बताइए ट्रांसफर हो गया कि नहीं? जो दो नई सेल बनी इसको कौन सा सेल बोलेंगे? डॉटर सेल, डॉटर सेल। और इसको क्या बोलेंगे? मदर सेल। तो हमेशा अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ये मॉडर्न थ्योरी है। और क्या ट्रांसफर होता है, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ट्रांसफर विद इन सेल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है सेल के अंदर, ये सारी मॉडर्न थ्योरीज हैं। और पॉइंट क्या बताया गया? बेसिक केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ये थ्योरीज बेटा यहाँ खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, ये सिक्स पॉइंट नहीं है, इसको हटा दीजिए, गलत लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गई हम लोग की सेल डिवीजन, वो सर सेल थ्योरी के बाद। सर हाँ बेटा बताइए। सर इसको डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है?
यही तो हम पूछने जा रहे थे आप लोग से, इसे डॉटर सेल से क्यों कहते हैं बताइए। ये क्वेश्चन बेटा एक बार कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया था, वो भी कहा नीट में पूछा गया था, पता बताइए जो नई सेल बनती है उसे डॉटर सेल क्यों कहते हैं, और जो मेन सेल जिससे डिवाइड होता है उसको मदर सेल कहते हैं, इसको फादर सेल क्यों नहीं कहते हैं? भाई इसको फादर कहा जाए और इसको सन सेल बोल दें, क्यों डॉटर कहा जाता है बताइए आप लोग क्या लगता है, बताओ बढ़िया। अर्पिता सेल डिवीजन होता है वो मदर के मतलब कि बॉडी में होता है, इस वजह से कहते हैं। वेरी गुड, देखिए कभी भी फादर डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा सोचो आप लोग कहाँ से बॉर्न हुए, मदर मदर से बॉर्न हुए हैं ना, फादर कभी कभी मेल बेबी को बॉर्न कर सकता है, नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किसमें होती है, कौन बेबी को बॉर्न कर सकता है, मदर। इसलिए इससे ये सेल को हम लोग मदर सेल बोलते हैं, फादर सेल नहीं। अब बताइए जो नई सेल बन रही है डॉटर सेल है, बताओ इसका फिर डिवीजन हुआ कि नहीं आगे बताइए, रिप्लाई करिए। ये सेल फिर डिवाइड होगी ना बताइए, तो जो डॉटर सेल थी फिर डिवाइड होगी तो क्या बन जाएगी बताइए भाई। अगर ये मान लो ये डिवाइड करेगी तो अब इस डॉटर सेल फिर क्या कही जाएगी, मदर सेल बोली जाएगी, मदर सेल। तो हमेशा याद रखिएगा जो फीमेल होते हैं वही बेबी को बॉर्न कर सकते हैं, इसलिए मदर सेल और डॉटर सेल बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, वेरी गुड। चलिए अब आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं, थ्योरी समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब जरा ये समझते हैं कि सेल बना कैसे होता है ना, सेल में कौन कौन से एलिमेंट, मैंने कल भी बताया था, आज फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या होता है, सिमिलर होता है, सारे सेल लगभग एक ही तरह बने होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, बने एक ही तरह होते हैं। अब ये बात अलग है उसमें कुछ सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं कुछ में नहीं पाए जाते, वो अलग बात है, लेकिन बने एक ही तरह होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मंकी हो और ह्यूमन है, बने तो एक ही तरह है ना, लेकिन हम लोग ज्यादा अपने आप को भाई डेवलप मानते हैं भी, मंकी थोड़ा कम डेवलप है लेकिन है तो एक ही तरह ना, उसमें भी आईज है, उसमें भी लेग्स हैं, उसके भी माउथ हैं, टीथ हैं, सब कुछ तो है हमारी तरह, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सारे सेल का जो कंपोजिशन होता है बेसिक कंपोजिशन बनावट जो होती है वो सेम होती है। देखिए क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बना है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड भी लिख सकते हैं सब्सटेंस, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट है, एलिमेंट सिंबल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लेटर से लिखा जाता है ना। कौन कौन से एलिमेंट, देखिए सी एच एन ओ, कल मैंने आपको बताया था कि सी एच एन ओ तो सबसे मेन है, फिर क्या है फास्फोरस सल्फर बताया था आपको, सोडियम पोटेशियम कॉपर एफी, देखो ये सब मेन मेन एलिमेंट है, इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन ये सब क्या है मेन है, सबसे मेन कौन सा है सी एच एन ओ, क्लियर हुआ। इनऑर्गेनिक बेटा उससे बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, तब इसमें कार्बन लिखा हुआ अलग बात है, एलिमेंट सिंगल में सभी इनऑर्गेनिक ही होते हैं। ऑर्गेनिक उसे बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन पाया जाता है, ध्यान देना इन सब में कार्बन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक चेक करने के एक तरीका और आपको बताते हैं, किसी चीज को आप जलाइए अगर उसमें से काला धुआं निकले ब्लैक स्मोक वो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है ना। जैसे पेपर को आप जलाइए, पेपर जलाने पर ब्लैक स्मोक निकलेगा कि नहीं बताइए सब लोग, तो ऑर्गेनिक है। अब पानी जरा बताइए H2O होता है ना पानी का, पानी को अगर आप खूब खौलाइए क्या धुआं निकलेगा, नो सर, पानी उबल के उड़ जाएगा भाप बन के लेकिन धुआं नहीं निकलेगा, पानी में से धुआं निकलेगा, तो पानी क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या फार्मूला उसका है? H2O। और यहाँ जरा देखिए, जैसे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? जितने आप मीठे चीज खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है मीठा, जैसे चीनी मीठी होती है, ग्लूकोज मीठा होता है। बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, बताइए आप। C12H22O11। वो शुगर का होता है गुड़िया ना, C12H22O11, ये शुगर होता है ना। अब ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज और ये होता है शुगर। बताओ ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? देखिए ध्यान से देखिए, कार्बन आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। और एक चीज और समझ लीजिए, केवल कार्बन आने से ऑर्गेनिक नहीं होगा, सी स्टार्टिंग में आना चाहिए। ध्यान दीजिए कहाँ आना चाहिए, स्टार्टिंग और तुरंत एच आना चाहिए, सी शुरू में और तुरंत एच आना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक कहा जाएगा। जैसे आप बताइए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होगा क्योंकि CO2 आ रहा। ध्यान दीजिए CO2 आ रहा, सी के बाद एच आया क्या? बताइए, सी शुरू में तो आ रहा उसमें, लेकिन एच नहीं आ रहा ना। अब आप बताइए मीथेन गैस, मीथेन गैस ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? फार्मूला जानते हैं आप लोग, CH4। क्या लिखते हैं? सी कैपिटल सी कैपिटल एच, ऑर्गेनिक होगा, सी के बाद एच आ रहा है तो CH4। इसको बेटा गोबर गैस भी कहते हैं, जैसे जो गोबर या नाला वाला देखते हैं, जो नाला बदबू करता है, जहाँ कीचड़ होता है खूब, वही मीथेन गैस। LPG गैस में भी होता है मीथेन। चलिए उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा ये जितने हैं ना, सब में क्या है, सी के बाद एच आता है, सारे ऑर्गेनिक है। इन सबको जलाने पर ब्लैक स्मोक रिलीज होगा, ये बेसिक कंपोजिशन होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है टॉपिक, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, देखो जितने आपके वायरसेस होते हैं ना, वायरस आप सबको पता है कि ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सेल, यस सर, होस्ट वायरस, हाँ होस्ट पे। तो याद रखिएगा, हम लोग वायरस को सेल नहीं मानते हैं, वो एक्सेप्शन सर। लिविंग बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रोड्यूस होता है, लिविंग बॉडी में जाने पर ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बाहर कैसे रहते हैं, ये सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल की तरह रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है। और कैसा होता है वायरस, थोड़ा समझ लीजिए। देखो बेटा वायरस, देखो ऐसे क्या होता है ना कि एक ऐसे कैप होता है, देखो कैप्सूल देखा आप लोगों ने ना, कैप्सूल देखा होगा आप लोगों ने जो दवा खाते हैं, सेम उस तरह इसका शेप होता है, ये कैप्सूल की तरह होता है और इसके अंदर यहाँ एक लिक्विड भरा होता है, ये देखिए। तो इस ये लिक्विड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें देखिए होता क्या बच्चों, या तो DNA होगा या RNA होगा। ध्यान दीजिएगा, वायरस में या तो DNA होता है या तो RNA। यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर ऊपर प्रोटीन है, ये कवर क्या है, प्रोटीन की कवर है, और इसके अंदर देखो जो ये अंदर भरा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, यही होता है आपका वायरस। और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं? नहीं, विषाणु बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? यस सर, विषाणु कहते हैं। विषाणु का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। देखो हम लोग लिखते हैं ना कि विषाणु, हिंदी में कहते हैं विषाणु, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। अच्छा जरा हिंदी इतना तो आप लोग जानते होंगे, विषाणु का मतलब क्या हुआ? देखिए इसके दो वर्ड से बना है, जहर, पहला हो गया विष, विष का मतलब क्या हुआ, पॉइजन। और सेकेंड पार्ट बेटा क्या है इसमें, अड़ू, तो कोई अड़ू
अणु को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ वायरस का बताइए तो, मॉलिक्यूल ऑफ पॉइजन। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ पॉइजन, यानी ये पॉइजन का मॉलिक्यूल है। ध्यान दीजिएगा यही इसका मतलब होता है। कैसे बना होता है? बार बार ये प्रोटीन की कवर होती है, इसको बेटा कैप्सीड कहते हैं। प्रोटीन कैप्सूल का हो चाहे, इसको कैप्सीड मेन कहा जाता है। मेन क्या कहते हैं? कैप्सीड। ये देखिए क्या कहा जाता है कवरिंग को, कैप्सीड। ये किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, कैप्सूल की तरह होता है। तो प्रोटीन कैप्सूल कहिए चाहे कैप्सिड कहिए, एक ही बात है। ये बाहर की लेयर, और अंदर क्या भरा होता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, डीएनए होगा तो ये सिंपल वायरस होते हैं, जैसे आपके जुकाम खाम वाले वायरस नहीं होते, अपने आप ठीक हो जाते डिजीज। और अगर आरएनए इसके अंदर अगर रहेगा जेनेटिक मटेरियल, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसे इसमें कोरोना वायरस चल रहा ना, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में बताइए यहाँ अंदर क्या भरा होता है, डीएनए की आरएनए? आरएनए। आरएनए होगा। और जिसमें आरएनए होता है ऐसे ही वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो, RETRO, रेट्रो वायरस। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबको। एड्स का वायरस, एड्स का नाम सुना ना, एचआईवी वायरस नाम सुना कभी? एचआईवी वायरस, एचआईवी से एड्स हो जाता है। देखो उसका भी कोई इलाज नहीं आज तक मिल पाया, कोई दवा नहीं है, लोग मर जाते हैं। तो क्या होना चाहिए बताओ, एचआईवी वायरस में डीएनए होना चाहिए क्या आरएनए? सर आरएनए। आरएनए वाला वायरस है, आरएनए वाला जल्दी इलाज नहीं हो पाता, उसका वैक्सीन थोड़ा लेट में बनता है, नहीं भी बन पाता। देखिए एड्स का आज तक नहीं बन पाया वैक्सीन। अब आगे देखिए सर, तो वायरस, हाँ सर, ये जिसमें आरएनए होता है सर उसको रेट्रो वायरस बोलते हैं सर, और क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं या आरएनए वायरस? जिसमें डीएनए होता है यहाँ पर उसको डीएनए वायरस। ठीक है, यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब वायरस को क्यों एक्सेप्शन कहा जाता है, सेल नहीं माना जाता? देखो इसमें क्या क्या चीजें नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसके इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जो इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नो लिख लीजिएगा, नो नहीं लिखा इसमें कहीं, नो। सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग एंजाइम मतलब सेल मेम्ब्रेन हैज नो एंजाइम, ऐसे कर लो, सेल मेम्ब्रेन हैज नो एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी लिख लीजिएगा, सेंटेंस सही कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन हैज या कंटेन, डू नॉट कंटेन, ऐसे कर लो, या डज नॉट कंटेन एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लिविंग बॉडी में एंजाइम्स होता है जिसे फंक्शंस होते हैं। ठीक भैया, इसमें नहीं पाया जाता इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वायरस क्या हो गया बताइए? ए सेलुलर हो गया, यानी इसमें सेल नहीं पाई जाती। और कैसा हो गया? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, यानी दानेदार होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप इकट्ठा देखा गया तो क्रिस्टल की तरह दिखता है। ओके बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, क्या नाम था उनका, इवानोवस्की नाम था। इवानोवस्की ने सबसे पहले टीएमबी वायरस, टीएमबी एक वायरस होता है, TMV, टोबैको मोजैक वायरस, ये तंबाकू में, टोबैको तंबाकू वाले पत्तियों पर पाया जाता है, उसको बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया था। क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले किस वायरस को ऑब्टेन किया गया था? मैं यही लिख दे रहा हूँ, टीएमबी वायरस को, टीएमबी
यानी टोबैको मोजैक, MO क्या होगा, मोजैक किस बनी, MOSAIC, मोजैक समझते हैं जो घर में पत्थर नहीं लगाए जाते हैं, मोजैक जिसको बोलते हैं, तो टोबैको मोजैक वायरस। इसका शेप बिल्कुल जैसे घर में पत्थर लगाया जाता है ना डिजाइन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम हो गया तंबाकू में पाया जाता है, मोजाइक के शेप का होता है और वायरस होता है। तो TMB ये सबसे पहले बेटा ना फर्स्ट टाइम किसमें ऑप्टेन किया गया था, ऑप्टेन एस क्रिस्टल फॉर्म, सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में ऑप्टेन किया गया था, किसके द्वारा, इवानोवस्की। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग इवानोवस्की की, IVUNOISH ऐसे करके है तो आप सर्च कर लेना। इवानोवस्की ने सबसे पहले इसको क्रिस्टल के फॉर्म में ऑप्टेन किया था, कहाँ से ऑप्टेन किया था, टोबैको के लीफ से। ओके भैया, तो चलिए ये तो बात हो गई एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, आगे बढ़े हैं। वेरी गुड, चलिए जितना इसमें नोट्स लिखा है इससे पढ़ लीजिए आप लोग, दोबारा में लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए एक्सेप्शन बेटा और कौन कौन से आते हैं जरा समझिएगा, एक राइजोपस आता है, एक वो चीरी आता है ना, ये स्पेलिंग वी से स्टार्ट होगी, विचेरिया, इनको भी सेल नहीं माना जाता, याद रखिएगा, राइजोपस को भी नहीं माना जाता और वो चीरिया को भी नहीं माना जाता, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कल ही, आइए थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है टाइप्स ऑफ सेल। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, सेकेंड बेटा हो गया यूकैरियोटिक, एक होता है मेजो कैरियोटिक। मेजो कैरियोटिक क्या है, इन दोनों के बीच का है, ठीक है ना। पहले प्रोकैरियोटिक आया, फिर डेवलप हो क्या बना, मेजो कैरियोटिक, फिर डेवलप हो क्या बना, यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले कौन आया, प्रोकैरियोटिक, मेजो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमको दो को मेन हाईलाइट करना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो मिडिल में बना था इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे डायनो फ्लेजलेट्स इसका एग्जाम्पल है, बाकी इसके बारे में बहुत आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए प्रोकैरियोटिक हमने बेटा क्या बताया था कल, हम लोग पढ़ चुके हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं ये, इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जिससे अब्सेंट होती है इसलिए न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और इसमें क्या होता है, सब डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें सब डेवलप पार्ट होते हैं, इसमें सिर्फ यहाँ लिक्विड भरा होता है ऐसे ऐसे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूड होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसमें डिवाइड हो जाता है, कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कुछ न्यूक्लियस में चला जाता है, कुछ बाहर बाहर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर बाहर है यहाँ पर यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो है ये घूम रहा है, इसको साइटोप्लाज्म, दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। देखिए इसमें नीचे थोड़ा सा नोट्स भी इस पे लिख दिया है, प्रो मैंने प्रिमिटिव, करियॉन मैंने न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल का मतलब बच्चों हुआ DNA, याद रखिएगा। तो इसका DNA घूमता रहता है, इसका DNA न्यूक्लियस में पैक होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं, मतलब कवरिंग एरिया नहीं होती। और बताइए क्या बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, यानी माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, ठीक ना, गॉल्गी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे हैं, प्लास्टिड रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो
इसमें अब्सेंट होते हैं सारे ऑर्गन। और बताइए कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था 70S टाइप राइबोसोम। आप जरा याद करिए, इसमें जो डीएनए होगा, डीएनए तो होगा ही इसमें, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और हेप्लॉइड होता, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जरा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट याद रखिएगा। बताइए, रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। डाउट तो नहीं? नो सर। वेरी गुड। देखो बहुत ये स्टैंडर्ड नोट्स हैं सब, इसको प्रिपेयर करिएगा जब अगर बायोलॉजी के फील्ड में जाना हो तब। सेल के तीन टाइप होते हैं, दो नहीं होते, याद रखिएगा, एक मेजोकैरियोटिक भी होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या इसमें आपको प्रॉपर्टीज, एक दो पॉइंट और याद रखना है। क्रोमोजोम्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, देखो बेटा क्रोमोजोम्स जो होते हैं ना, जो डीएनए से बने होते हैं क्रोमोजोम्स, ये सब पढ़ाएंगे, पहले आप ये सब याद करिए, अभी अभी उन्होंने डायग्राम बना के पढ़ेंगे, अभी नोट्स था इसलिए पढ़ा दे रहे हैं आपको। इसमें बेटा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन हमेशा यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक है ना। हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती, डीएनए में। तो जिसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी वो यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा, और जिसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी वो प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। और डीएनए से ही क्या बनता, क्रोमोजोम्स, तो क्रोमोजोम्स में भी नहीं होगा हिस्टोन प्रोटीन, कॉमन सी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोजोम्स विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोजोम्स में फिर क्या होगा, जब ये नहीं होता हिस्टोन तो कौन सा प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें, हिस्टोन नहीं होता, नॉन हिस्टोन होता है। सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन या माइकोपेप्टाइड की बनी होती है। प्रोटीन का बेटा एक प्रकार है, टाइप है, ठीक है ना, प्रोटीन कई तरह के होते हैं ना, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, स्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोटीन के बेटा टाइप है। तो उसी में एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए के अंदर, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। अभी बहुत इस पर डीपली आप क्वेश्चन न करिए, अभी समझ पाओगे नहीं अगर हम बता देते हैं। डीएनए में ये बेटा रस्सी की तरह लिपटा होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो डीएनए है, ये मान लो पेन डीएनए, तो इसी पे धागा लपेट दो ऐसे ऐसे, तो धागे की तरह ही प्रोटीन होता जो डीएनए के चारों तरफ क्या होता, लिपटा होता, समझ में आया। और धागे तरह जो स्ट्रक्चर लिपटा, वो किस में पाया जाता, सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता, प्रोकैरियोटिक वाले डीएनए में नहीं पाया जाता, समझ में आया कि नहीं, यही इसका भी आप समझिए। सर आप तो इसको आगे भी डिस्कस करेंगे? किस में बेटा सर, मतलब आपने बोला कि अभी याद करें और सर आप बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को? हाँ, जब डायग्राम बना के अंदर बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। यस, ये सब नोट्स तो याद करना पड़ेगा ना, बायो में रटना बहुत पड़ता है, याद रखिए, समझना तो ठीक है। सर इसको सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। क्या बेटा? सर इसको सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, फोटो इसकी। यस सर, भेज दूंगा। आप देखिए सेल वॉल किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का, याद करिए, पेप्टिडो ग्लाइकॉन या माइकोपेप्टाइड, ये दो कंपाउंड होते हैं। अच्छा बताओ यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, सोच के बताइए। तो जैसे नीम का पेड़ है, उसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज होता क्या पता आप लोगों को, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि फैट्स होता है, विटामिन क्या होता है सेलुलोज,
बताइए। कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है बच्चों? कॉपी में नोट कर लीजिए, सेलुलोज इज प्लांट कार्बोहाइड्रेट, और ये सबसे ज्यादा प्लांट में पाया जाता है, याद कर लीजिए। सेलुलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट प्लांट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा कहा जाए प्लांट में कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, तो आप आंसर लिखोगे सेलुलोज। अब प्लांट में कौन सा पाया जाता है, तब भी आंसर होगा सेलुलोज। और कहा जाए प्लांट सेल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, तब भी आंसर क्या होगा, सेलुलोज। यानी प्लांट में सबसे ज्यादा, प्लांट के सेल में सबसे ज्यादा, और इस अर्थ पे सबसे ज्यादा प्लांट कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, प्लांट कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, एनिमल नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? देख बेटा, वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव मतलब उनकी बॉडी ही टूट टूट के टुकड़ों में कई सेल बना देती, मतलब बॉडी से सेल का डिवीजन होता जाता है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, सर अमीबा सेल डिवाइड अमीबा की तरह। वेरी गुड। अब बताओ इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल होगा कि एसेक्सुअल? क्या सेक्सुअल पॉसिबल है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ह्यूमंस में, ह्यूमंस में होता है। जिसमें सेक्स ऑर्गन हो। हाँ वेरी गुड। जैसे ह्यूमन हुआ, जिसमें देखो इस तरह से लिखा हो कि जैसे मान लो शेर शेरनी है ना, कुत्ता, मतलब मेल फीमेल जिसमें हो, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, उसको सेक्सुअल कहते हैं। आई तो खुद ही एक सेल का है, तो इसमें ऑर्गन कहाँ से बनेगा, सेक्स ऑर्गन, इसलिए इसमें एसेक्सुअल होगा, ठीक है। मेन रिप्रोडक्शन कौन सा कहा जाता है, यही कहा जाता है एसेक्सुअल, जो अमीबा की तरह होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक भैया। तो मेन आपसे कहा जाए रिप्रोडक्शन कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आंसर होगा एसेक्सुअल। अगला पॉइंट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट बट सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें अब्सेंट होगा 100%, लेकिन इसमें ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना, डीएनए आरएनए, वो आपस में फ्यूज होते रहते हैं, डीएनए आरएनए तो मैच हो सकते हैं ना, उसको बेटा वो बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब सेल आपस में आते हैं और अपने डीएनए आरएनए को एक दूसरे में चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है कि ये है, तो आपस में ना ऐसे देखो अटैच होकर के अपने मटेरियल को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इसको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। जैसे पॉलन ग्रेन की तरह, कैसे बेटा? फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफ्यूजन कर लेते हैं। हाँ ऐसे मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, उससे कंपेयर कर लीजिए, सेम उसी तरह इसमें होता है, इसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है भैया, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोग, ठीक है। और देखिए इसके ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ा जाता था, ये भी हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायो जो टेक्नोलॉजी होती है बेटा ना, कि जीन्स को चेंज कर करके नए नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनाने को बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको पता है कि आईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे भी जाते हैं, पता है कि नहीं? अब आईटी में माइक्रोबायोलॉजी, या अच्छा आप कभी देखिए कि नए नए तरह के फिशेस आजकल बनाए जाते हैं या डॉग बनाए जाते हैं। आप बताइए कि आपके बाबा के जमाने में ये सब छोटे छोटे डॉग होते थे क्या? बुल मैन, तो पिट बुल, पता ना कौन कौन से डॉग इस समय मिल रहे हैं मार्केट में, पवेलियन, ये सब कभी होते थे? बाबा से पूछिएगा, वो देखे भी नहीं होंगे। ये सब बेटा बनाए जाते हैं, पता है, जीन्स को जोड़ जोड़ के, कुछ वुल्फ का ले लिया, कुछ डॉग का ले लिया, कुछ भेड़िया का ले लिया, आपस में जोड़ जाड़ के नए नए क्रॉस ब्रीड, क्रॉस करके बनाया गया है ना, तो इसी को बेटा कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जहां पर जीन्स से,
जीन्स को चेंज कर करके नए नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, समझ में आ रहा है सबको? तो सर ये आईआईटी में सर बायोलॉजी कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेटा ना, तो बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन वो आईटी नहीं पढ़ते हैं, वो अपना माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो सब जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो आईटी वाले होते हैं वो मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, इंजन कैसे बना, वो इंजन नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं सेल के अंदर जीन्स कैसे बना, उसको माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना? यस ये चीज है उनको, उनको ये थोड़ी पता है कि इंजन में कौन सा पिस्टन लगा, उनको ये पता है कौन सा जीन्स चेंज कर दे तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल जरा कुछ याद करिए आप लोग, जैसे आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, कल बताइए था माइको प्लाज्मा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रोकैरियोटिक। इसमें सेल डिवीजन कौन सा होता है? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस बेटा सेल डिवीजन उसे बोलते हैं जिसमें एक सेल से दो सेल बने, ठीक है ना? जब एक सेल से दो सेल बनती है तो उसे माइटोसिस या ए माइटोसिस बोलते हैं, समझ में आ गया? ये हम लोग के बॉडी में भी होता है माइटोसिस। याद करिए, जब प्रोकैरियोटिक में एक सेल से दो सेल बनेगा तो उसे देखो आगे ए लगा देते हैं, ए ए माइटोसिस कहते हैं, और जब यूकैरियोटिक सेल में एक सेल से दो सेल बनती है तो उसे बेटा सिर्फ माइटोसिस कहते हैं, ये देखिए याद रहेगा। हेलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जैसे मान लो कि ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक से दो बन गया मतलब सेल डिवीजन हुआ, वन सेल टू सेल में डिवाइड हो गई, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? ए माइटोसिस। अब मान लो आपकी बॉडी है, आप कैसे सेल हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, आपके बॉडी में अगर एक सेल से दो सेल बन गई तो उसमें ए वर्ड नहीं लिखेंगे, ये ए लेटर को हटा देंगे, कौन सा प्रोसेस होगा आपके सेल में? माइटोसिस। यस तो ये ए जो लिखा जाता है ना वो प्रोकैरियोटिक के लिए लिखा जाता है, कहने मतलब ये हम आपको बता रहे हैं। बायोलॉजी टफ तो नहीं लग रही है आप लोगों को? नो सर टफ लग रही है क्या? सर कॉम्प्लेक्स में मजा आता है। तो देखिए आप लोग हम थोड़ा सा टफ पढ़ा भी रहे हैं ना, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को नॉलेज हो, क्योंकि आप लोगों ने कहा था हमको सर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो थोड़ा अभी से तैयारी करिए। एक्चुअली देखो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली मैंने ये क्लास 11th वाले बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है ना? ये क्लास 11th वाले बच्चों का नोट है, अब रखा था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, नहीं तो मैं फिर आपको आपके लेवल से पढ़ाता, तो थोड़ा सा अधिक जान लेने में क्या है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम सर? ठीक थोड़ा अधिक जाने सर, रहोगे तो सही है नॉलेज सर, रहेगी, सही। थोड़ा ज्यादा जानेंगे तभी तो आप क्लास में आगे रहोगे, आगे लाइफ में बढ़ोगे, अब जितना सब जान रहे हो उतना आप भी जान रहे हो, तो फिर कंपटीशन में आगे कहाँ रहे आप, तो थोड़ा ज्यादा जानिए। बाकी देखिए आपको एग्जामिनेशन एनसीईआरटी से ही देना है, एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट होती है बायो के लिए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसके साथ साथ आपको रेफरेंस भी पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यूकैरियोटिक सेल बेटा क्या होता है? पूरा जितना मैंने बताया इसका अपोजिट कर दीजिएगा, क्या क्या करना चाहिए ध्यान दीजिए। यू का मतलब ट्रू, कैरियन मैंने न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस ट्रू हो जाता है, डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है? और क्या हो जाएगा बताइए, और देखिए और बताइए, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आप जानते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब क्या होंगे बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? ATS टाइप पाया जाएगा। डीएनए कैसा होगा? लीनियर, डबल स्ट्रैंड एंड डिप्लॉयड हो जाएगा, इस तरह से डीएनए देखा होगा आप लोगों ने, बना होता ना ऐसा डीएनए, बताइए। यस सर ये डबल स्टैंड का मतलब तेरा समझ लो होता क्या है,
जैसे सीढ़ी देखा है कि नहीं, सीढ़ी सीढ़ी देखा है लकड़ी वाली? यस सर। उसमें देखो यहाँ बीच में लकड़ी लगी होती है ऐसे, देखिए इसमें पैर रख के ऊपर जाते हैं छत पे, ये देखिए। तो बताओ इसमें कितने बांस लगे होते हैं, लकड़ी कितनी लगी है इसमें? एक ये लगा हुआ है और बीच में जुड़ा हुआ है। इसी तरह बेटा डीएनए होता है, लेकिन ये मुड़ा हुआ होता है। अब सीढ़ी को पकड़ के ऐसे मोड़ दीजिए, तो मोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा। देखो ये बीच में ऐसे से रहता है। इसमें कितने स्ट्रैंड है? स्ट्रैंड का मतलब होता है, देखो एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो स्ट्रैंड हो गए। स्टैंड का मतलब ये सपोर्ट समझिए। और ये जो बीच में जुड़ा हुआ ना, ये सब आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, पेंटोज सुगर हैं। अब चलो इसको बाद में बताएंगे, तो बहुत डीपली हो जाएगा, पहले भी कॉमन समझिए। ट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम लोग पाया जाता है। डायग्राम अक्सर आप लोग देखा होगा, देखते रहते होंगे डीएनए का डायग्राम। यस सर। और डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब दो पार्ट में, मतलब डिप्लॉयड है। तो डबल स्टैंडर्ड और डिप्लॉयड, 1 2। आप बताइए इसमें कौन सा प्रोटीन होगा? उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था। देखो इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है क्रोमोजोम्स में, ध्यान दीजिएगा। और सेल वॉल किसकी बनी होगी? यूकैरियोटिक की। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। और ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? CHITIN, क्या लिखा है? पढ़िए। चिटिन, CHITIN, चिटिन। क्यों, क्या लिखा है अभी बताओ, पढ़ो। पढ़िए, माइक ऑन करिए। CHITIN क्या पढ़ा जाएगा इससे? चिटिन, चिटिन ना। इसको बेटा बोलते हैं काइटीन, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं? काइटीन, चिटिन नहीं, काइटीन। काइटीन देखो जो हरे प्लांट हैं बड़े बड़े, उनका सेलुलोज से बना होता है। जैसे नीम का प्लांट हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, तुलसी जी हो गया, जो जितने डेवलप प्लांट है ना, वो सेलुलोज से बने होते हैं। काइटीन जो होते हैं, जो फंजाई देखा ना, फंजाई फंगस मशरूम जैसे हो गए, हाँ उसका इससे बना होता है, काइटिन से। और देखिए काइटिन कहाँ पाया जाता है? एनिमल में भी पाया जाता है। देखिए जो ये आपके होते हैं ना तिलचट्टे, कॉकरोच, कॉकरोच के जो पंख होते हैं ना, विंग्स, ब्राउन कलर के, वो भी इसी का बना होता है, काइटिन का ही बना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए याद रखिए दो चीजें पाई जाती हैं, दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट सर, उसमें भी है। सेल वॉल उसमें होता भी है सेल वॉल होता इसमें, सर कॉकरोच में, कॉकरोच में प्लांट है वो, नो प्लांट में सेल वॉल होगा ना। हमने ये थोड़ी कहा कि ये सिर्फ, भाई सेलुलोज सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, काइटीन प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, ठीक ना भैया? हमने ये कहा कि काइटीन प्लांट में सेल वॉल में भी पाया जाता है, लेकिन सेलुलोज सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। ओके बेटा, समझ गए? हाँ ये थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिख दिया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव सेक्सुअल एसेक्सुअल तीनों मेथड से होता है। सेल डिवीजन कैसे होगा बच्चों? मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, जरा ध्यान देना। मियोसिस कहाँ होता है बच्चों? ये सेक्स ऑर्गन में होता है, ध्यान समझिएगा, सेक्स ऑर्गन। जैसे आप समझिए, जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस, टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म बनता है ना मेल में। और ओवरी से क्या बनता है? एक बनता है, या ओवम बनता है। तो देखिए जो स्पर्म या एग बनाता है, स्पर्म एग को हम लोग बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमेट, और एग या ओवम एक ही बात है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। ये दोनों जो बनते हैं ना, वो किस डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस से, ध्यान रखिएगा।
किससे बनता है? मियोसिस सेल डिवीजन से। तो भाई सेक्स ऑर्गन होगा तभी तो मियोसिस होगा, बताइए। यस सर, यस सर। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और सेक्स ऑर्गन को छोड़ दीजिए, अगर जैसे आपकी बॉडी है, सेक्स ऑर्गन को छोड़ दीजिए, इसके बाद आप सोचिए हाथ पैर नाक कान दांत जो भी हो जीभ, उसमें कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। बात समझ में आ रहा है? ये सेक्स ऑर्गन वाले सेल में होता है और ये बॉडी वाले सेल में होता है। ये कहाँ होगा? बॉडी सेल में। और ये कहाँ होगा बच्चों? सेक्स सेल में। तो सेक्स सेल में जो डिवीजन होता है उसे मियोसिस। जो बॉडी सेल, बॉडी सेल का एक नाम चाहो तो और लिख सकते हो, सोमेटिक सेल। देखो बायोलॉजी में थोड़ा सा नाम ज्यादा होते हैं, समझ में आया? सोमेटिक सेल या बॉडी सेल। देखो बायो वही बच्चा पढ़ सकता है जिसकी खोपड़ी बहुत तेज हो, याद कर सकता हो, ध्यान रखिएगा। लर्निंग एबिलिटी चाहिए इसमें बहुत ज्यादा, है ना? सब लोग कहते हैं बायो आसान है, आसान है, मैथ से भी टफ होती बायो, पता है? यस सर, बहुत टफ होती बायो भाई, याद करना होता है। डॉक्टर सोचो कितनी दवा का नाम याद रखते हैं, सही कि नहीं? आप चलिए आगे देखते हैं। एक चीज थोड़ा सा याद रखना बेटा, नोट में एक पॉइंट कि जैसे आपसे कहा जाए कि 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा थोड़ा याद रखिएगा कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जहां पे ये 70S टाइप क्रोमोसोम वो राइबोसोम पाया जाता है। कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, नोट करिए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है, 70S टाइप राइबोसोम, ये एक्सेप्शनल केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर बेटा डीएनए भी सब खुद पाया जाता है। डीएनए एक्चुअली होता कहाँ, जरा बता सकते हैं आप लोग? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए का मेन प्लेस बताइए आप लोग। डीएनए का मेन, नहीं, डीएनए से जीन्स बना होता है भाई, ये ध्यान दीजिए। डीएनए न्यूक्लियस पाया जाता है ना बेटा, भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए से क्या क्या चीजें बनी होती हैं बताइए? वो क्रोमोजोम्स बनता है और जीन्स बनता है। तो याद रखिएगा दो ही एक्सेप्शनल केस बता रहे हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। और ये दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं? याद करिए, प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, ध्यान दीजिए। ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर भी ये दोनों पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। यानी प्रोकैरियोटिक सेल, कभी आपसे पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल में बताइए प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल की तरह 70S टाइप राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ये दोनों मेन कहाँ होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक में होना चाहिए, लेकिन ये यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, एक्सेप्शनल केस है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको? यूकैरियोटिक में हाँ क्यों पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्शन मतलब जो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, ठीक बेटा? लेकिन सर इनमें क्यों सर, केवल इन्हीं में क्यों? इसका रीजन ना पूछिए क्यों, ये पढ़ा जाता कि हाँ होता है, रीजन नहीं है कोई, पाया जाता है।
अब आपसे कहा जाए सड़क पर दो सिर वाला एक इंसान टहला, अब आप कहोगे सर उसके दो सिर क्यों है, क्या रीजन उसका, एक्सेप्शन है वो, नहीं होना चाहिए, है ना? और कहीं नहीं पाया जाता, इन्हीं जगह पाई जाती है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन का कोई रीजन नहीं होता, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। अब से हम बताइए सड़क पर आप लोग चलते हैं हेलमेट लगा के चलना चाहिए कि नहीं, बताइए आप, चलना चाहिए ना, हेलमेट का यूज करना चाहिए, लेफ्ट से चलना चाहिए सड़क पे। लेकिन कुछ होते हैं ना लोफर टाइप लड़के, वो खूब तेज गाड़ी चलाएंगे बिना हेलमेट का, अब बताओ उसका रीजन क्यों बिना हेलमेट के चलाते हो गाड़ी, बता सकते हैं, बताइए। नो सर, उनको क्या कहा जाएगा, वो एक्सेप्शनल केस है, उनका कोई रीजन नहीं हो ना, इनका कोई रीजन नहीं होता, पता नहीं क्यों चलाते हैं, वो नहीं मानते लॉ को। अभी देख रहे थे लॉकडाउन में कहा जा रहा था सब लोग मास्क पहनिए मास्क पहनिए, और कुछ लोग क्या थे, मास्क नहीं पहनते थे, है ना, चालान कट जाता था उनका, ध्यान दीजिए, पैसे भर देते थे 10,000-20,000 जो लगता था दे देते, लेकिन क्या मास्क पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, जेब में रखते थे। अब बताओ इसका क्या रीजन, अगर आपसे पूछा कि वो मास्क क्यों नहीं पहनते थे, रीजन बताइए आप, बताइए क्यों नहीं मास्क पहनते थे सर, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कोई रीजन, इस तरफ माइटोकांड्रिया में ये पाया जाता है 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए, नहीं होना चाहिए, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है, लेकिन इनमें पाया जाता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक बेटा, यस यस सर। आज क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, देखिए थोड़ा क्लास लेट हो जाएगा तो आप टेंशन ना लिया करिए आपको, ठीक है बच्चों, और आप तैयार करते रहिए, और कल हम लोग इसके आगे थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे सेल चैप्टर को, और फर्स्ट चैप्टर बेटा आपको प्रिपेयर करिए, उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना, ठीक है, मैटर और सराउंडिंग आपको तैयार रखिएगा, बहुत जल्दी, ओके बेटा, चलो वेलकम, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड इवनिंग सर, ओके, वेलकम, गुड नाइट।